22 जनवरी की तारीख आ चुकी है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और अयोध्या राममय हो चुकी है। भगवान श्री राम के नारों से गुंजायमान है अयोध्या और ये जय श्री राम के नारे अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु आने लगे हैं उस पल का गवाह बनने के लिए और इस फिजा में, अयोध्या की फिजा में, अयोध्या के माहौल में भगवान श्री राम का एहसास आप यहाँ कर सकते हैं। और मैं यहाँ मौजूद हूँ अयोध्या में। आप ये पीछे देख सकते हैं शिलाएं, वो शिलाएं रखी गई हैं, अलग अलग राज्यों से वो शिलाएं आई हैं जो राम मंदिर निर्माण में इनका इस्तेमाल, और अलग अलग जगहों से ये श्रद्धालु इनका दर्शन करने आए हैं। यही उम्मीद, जो उम्मीद दशकों पहले लोगों ने देखा था या 500 साल से पुराना सपना था, वो सपना साकार होने जा रहा है। उस सपना को साक्षी बनने आए हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी इच्छा हो रही है कि बस यहीं रुक जाएं और कहीं ना जाएं। श्री राम का दर्शन। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान इतनी जल्दी उनका मंदिर में प्रस्थान हो जाए तो लगता है फिर हम लोग दोबारा जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। कहाँ से आई हैं? हम लोग मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह। महाराष्ट्र गोंदिया से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं रहने की इच्छा हो रही है हमारी तो अभी दर्शन करने के बाद। अयोध्या में आते हैं तो प्रभु श्री राम के बस नारे लग रहे हैं, सिर्फ वही एहसास। जय श्री राम है प्रभु श्री रामचंद्र के। यहाँ तो अयोध्या में हम दर्शन करने आए हैं, हमारी इच्छा पूरी हो गई है, मनोकामना पूरी हो गई है। रामलला की जो मूर्ति है, अभी तो दर्शन नहीं 22 जनवरी के बाद, वो जो बाल स्वरूप है वो देखने की बहुत इच्छा हो रही है हमारी। 22 जनवरी के बाद हम लोग एक बार फिर से आएंगे रामलला जी के दर्शन करने। 22 जनवरी के बाद एक बार सब लोग आएंगे फिर से। यहाँ कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? नेपाल यात्रा पूरी करके आए हैं, काठमांडू, पशुपतिनाथ से जनकपुर से माता सीता के स्थली से लेकर जनकपुर में दर्शन किया माता सीता का, मनोकामना देवी का दर्शन हुआ, पोखरा से दर्शन करते हुए यहाँ वापस अयोध्या रामलला के दर्शन करने की इच्छा है। जानकी, अच्छा बाबा, आप तो उस वक्त जब रथ यात्रा निकली थी, जब देश भर में राम मंदिर को लेकर एक मुहिम छिड़ी, तो उस वक्त का भी आप गवाह बने रहे होंगे। और बहुत लोग हैं, और शिवसेना ने पहला झंडा ऊंचा उठाया था जब वो घुम्मट को विध्वंस किए थे उस वक्त। अच्छा। ना? तो महाराष्ट्र के शिवसेना ने बड़ा साहब ठाकरे थे और ये सिंगल साहब, आप उस पल का गवाह रहे हैं। आप उस वक्त कहाँ थे आप? नहीं, हम तो अपने ही शहर में थे, महाराष्ट्र नागपुर में। कार सेवा में आप रहे हैं? जी हाँ, कार सेवा आपने की है। तो क्या उस पल का कुछ बताइए आप। वो उस वक्त तो ये दानव लोग थे यहाँ के, मुलायम सिंह और वो सही। क्या एक है वो? नहीं तो उस वक्त जब रथ यात्रा निकली एक उम्मीद तो जगी थी, लेकिन वो उम्मीद यहाँ 2023 में पूरी होगी, ये सोचा था आपने कि 2023 में यहाँ पर? ऐसा तो अभी तक कभी नहीं सोचा था, लेकिन 2014 से जब मोदी जी आए तो वो बोलते ना कि मोदी है तो सब नमकीन है, तो मैं तो मोदी जी अवतारी पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने होंगे यहाँ सबसे अलग और आगे, सारी दुनिया में उनका डंका चमकता है, नाम शर्म, और उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिए। मोदी है तो मुमकिन, तो ही मुमकिन है, वरना मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी इस देश का कल्याण करने को आए हैं, वो श्री राम जी ने, वो भगवान विष्णु ने उनको नरेंद्र रोधी के रूप में भेजा है यहाँ पर। मोदी है तो मुमकिन है कि ये भारतवासी भारत वंश के लोग है जो बहुत तकलीफ में है, तो उनका कल्याण करने के लिए वो मोदी जी का अवतार लेके आए हो। साधारण आप कह रहे हैं कि रथ यात्रा निकली थी, उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी होगी कि नहीं होगी ये 2014 के बाद? आपको ये 2014 के बाद ही संभव हुआ है, और जिस वक्त मोदी जी, आज 700 सालों से ये चल रहा था कि मंदिर नहीं बनने देंगे, मस्जिद नहीं टूटेगी, लेकिन वो उस वक्त कल्याण सिंह जी ने बोल दिया था कि जितने मंदिर मस्जिद गिराने का है गिरा दो, लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई, बोले एक हफ्ते के अंदर जितने भी मस्जिद गिराना है गिरा दो, लेकिन हम लोगों की उतनी हिम्मत नहीं थी, और बोले मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ,
और चाणक्य नरसिंह राव जी, चाणक्य नीति नरसिंह राव जी, उन्होंने कल्याण से धर्म के, अब राजनीति तो चली पुरानी हो गई, अब कम से कम सपना साकार होने जा रहा है, हो गया हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, बरसों से, कई बरसों से भाई साहब हम आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमको इस तारीख का, इस पल का बरसों से इंतजार था और आज वो सपना हमारा पूरा होने वाला है योगी जी और मोदी जी के माध्यम से। जय जय श्री राम, जय, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा ये भी बताइए कि अयोध्या में तो है अब रामलला का की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब सुप्रीम कोर्ट में केस मथुरा का भी चल गया है और बनारस वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर भी सर्वे चल रहा है, अब उम्मीद और बढ़ गई, अब बिल्कुल बढ़ गई, वो हो नहीं है, जो अन्याय है वो खत्म हो गया है। हम लोग महिलाओं कितना अच्छा, हमारे खुल के हम लोग जी है, वो आस्था के केंद्र है वो। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व एकता में आया है, सनातन धर्म जागृत हुआ है, सब एक हुए हैं ऐसे करके, तो मतलब धर्म के प्रति सब विचार है। आज की युवा पीढ़ी भी उस सनातन को लेकर, कम मंदिर जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, अब वो सब अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और धर्म जाग रहा है, वरना लोग पहले डरे डरे रहते थे, समझ में अपने धर्म के प्रति जागरूक। जी राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं, राम जी का हाथ हम सब लोगों के ऊपर यहाँ है और कृष्ण जी का हाथ भी हमारे ऊपर वहाँ रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिए ये उत्साह अयोध्या में, और ये उत्साह बताता है कि अयोध्या राम में हो चुकी है और इसके बाद मथुरा में भी यही उत्साह, ये कह रहे हैं कि मथुरा और काशी में भी यही उत्साह दिखेगा। अयोध्या की और भी तस्वीरें और भी रंग हम आपको दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और यहीं से हम आपको एहसास, अयोध्या में अगर घर बैठे हैं तो अयोध्या का एहसास, अयोध्या के माहौल का एहसास आप भारत एक्सप्रेस के साथ करते रहिए। सहयोगी मनमीत के और कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।